विल्मा रुडोल्फ का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। जब वे मात्र 4 वर्ष की थीं, तो उन्हें भयंकर निमोनिया एवं ज्वर हो गया, जिससे उन्हें पोलियो हो गया था। डॉक्टर ने उन्हें पैर में ब्रेस पहना दिया और कहा कि अब वे कभी पैर से नहीं चल सकेंगे। विल्मा की माँ उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करती रहती और उन्हें ईश्वर प्रदत्त योग्यता का उपयोग करने एवं हिम्मत से काम लेने हेतु उत्साहित करती रहती थीं। विल्मा रुडोल्फ बहुत हिम्मत वाली लड़की थीं। हार मानना तो जैसे वो जानती ही ना थीं। 9 वर्ष की उम्र में डॉक्टरों की सलाह के विपरीत उन्होंने अपने पैर से ब्रेस उतार दिए एवं धीरे धीरे पैरों पर चलना आरंभ कर दिया। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने दौड़ में हिस्सा लिया। वह दौड़ में बार बार पराजित हुई, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब वह प्रथम आई। 15 वर्ष की उम्र में वह टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गईं। वहां एक टेम्पल नामक कोच से मिली। उन्होंने कोच से कहा, मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूं। कोच ने उनकी लगन, निष्ठा एवं दृढ़ संकल्प को देखते हुए कहा कि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता और इसमें मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। वह दिन भी आया जिसका विल्मा रुडोल्फ को बेसब्री से इंतजार था। 1960 के ओलंपिक खेलों में उन्होंने हिस्सा लिया। विल्मा का मुकाबला जुता हाइने नामक धाविका से था, जो कभी हारी ही नहीं थी। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। विल्मा ने जुता को पराजित किया एवं अपना प्रथम स्वर्ण पदक जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी। उसमें भी विल्मा ने जुता को पराजित किया एवं अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता। तीसरी दौड़ 400 मीटर की बेटन रिले रेस थी। यहां भी वह जुता हाइने के मुकाबले में थी। इस दौड़ में सबसे तेज धावक को सबसे अंत में रखा जाता है। यहां 3 धावकों के दौड़ने के बाद जब बेटन विल्मा को दिया गया, तो बेटन विल्मा के हाथ से गिर गया। लेकिन जैसे ही विल्मा ने जुता को दौड़ते हुए देखा, उन्होंने तुरंत बेटन उठाया और अविश्वसनीय गति से मशीन की तरह दौड़ लगा दी। इस तरह उन्होंने अपना 3रा स्वर्ण पदक भी अपने नाम कर दिया। ये ऐतिहासिक घटना थी। विल्मा ने इतिहास रच दिया था। उन्होंने दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बनने का सपना साकार कर लिया था।